बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द रिमांड ऑफ पी सिंह, बीएससी थर्ड ईयर की प्रॉब्लम है बेसल फार्मूला। बेसल फार्मूले के बेस पर हमें ये वैल्यू फाइंड करना है एफ 25 की, अप्लाई करना है बेसल फार्मूला। गिवन वैल्यू है एफ 20 की वैल्यू दे रखी है 24 है, एफ 24 की वैल्यू 32 है, एफ 28 की वैल्यू है 35 और एफ 32 की वैल्यू है 40 के बराबर। इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हमको बेसल फार्मूला अप्लाई करते हुए F25 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू दे रखी वो 20 के बराबर है और 20 है और 24 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, 28 पर दे रखी है और 32 पर दे रखी है। और हमसे इनके देखने की बीच में जो वैल्यू है 25 पर वैल्यू पूछी जा रही है कितनी होगी। तो ये बीच में वैल्यू है करीब करीब डाटा जो दे रखे हैं, इसलिए ये यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ किया गया है, बेसल फार्मूला अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इन वैल्यूज़ के बीच में 4-4 का डिफरेंस है, जिसको हम लोग स्टेप साइज बोलते हैं। इसकी वैल्यू 4 के बराबर आ गई, जैसे 40 और 20 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 28 में से माइनस करेंगे 24 को और 32 में से माइनस करेंगे 28 को तो 4 आ जाएगा। तो h की वैल्यू तो हो गई इतनी। और जो बेस वैल्यू है यहाँ पर, जिसे हम लोग एक्स नॉट बोलेंगे, वो जो हमें वैल्यू फाइंड करना है उसके करीब में वैल्यू कौन सी है, क्लियर सी बात है 24 जो गिविन वैल्यू है, तो उसे एक्स नॉट बोलेंगे और उसकी वैल्यू है 24 के बराबर। और जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है हमें, यानी 25 F25 की वैल्यू, उसे हम लोग एक्स बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू 25 दे रखी है। तो इनका यूज़ करते हुए हमें सबसे पहले तो U की वैल्यू निकाल लेना चाहिए। U के लिए फार्मूला है, होता है U इज इक्वल टू X माइनस एक्स नॉट। U फार्मूले में आता है, बेसल फार्मूले में U का यूज़ होता है, H का होता है X नॉट और X का, तो X नॉट अपान में H। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अगर X की वैल्यू रखेंगे तो ये 25 है और माइनस का X नॉट की वैल्यू 24 अपन H की वैल्यू है 4, तो ऊपर आ गया 1/4 आ गया। यू की वैल्यू अगर 1/4 और 3/4 के बीच में होती है, और 3/4 और 1/4 भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो सबसे अच्छी वैल्यू बेसल फार्मूला अप्लाई करने पर ही निकलती है, जो कि इन्होंने बोला है। तो हमें तो बेसल फार्मूला ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यू की वैल्यू निकाली है। अब इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए, यानी u माइनस एक्स माइनस का एक्स नॉट की वैल्यू तो फिक्स है 24, अपान एच की वैल्यू भी 4 ये है। हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है u के लिए, जो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है उनके लिए। तो एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हम, जिसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में एक्स होता है, एक्स होगा और हर एक एक्स की वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी वो u की हम यहाँ पर निकालना होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कि जैसे कि एफ एक्स से या एफ यू बोले, तो इसे शॉर्ट नोटेशन f ना लिख के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स जो होता है वो y के ही बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर y का हम यूज़ कर रहे हैं, y और वाई यू का यूज़ करेंगे। और यू के एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यू की भी पता चल जाएगी, जैसे एक्स की वैल्यू 20 के करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू क्या होगी, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब 20 रखेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, और माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। ये तब था जब मैंने एक्स की वैल्यू को 20 लिया और इस फार्मूले का यूज़ किया, और वहाँ से हमने यू की वैल्यू निकाली और एक्स एफ 20 की वैल्यू 24 यहाँ पर हमको दे रखी थी। यानी इसे हम बोलेंगे यू वाई माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 24 है, यानी यू की जगह पर देख रहे हैं कि माइनस 1 है। अब ऐसे ही बाकी चारों वैल्यू जो दे रखी हैं उनके करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यू की वैल्यू अगली 24 पर दे रखी है, 24
पर फंक्शन की वैल्यू तो दे रखी है ये 32 के इक्वल, और हम अगर u की वैल्यू निकालेंगे तो वो ज़ीरो निकलेगी क्योंकि x की वैल्यू जो 24 यहाँ पर रखेगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो u के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, 24 के करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू आ गई ज़ीरो। अब नेक्स्ट वैल्यू है 28 जब यहाँ पर रखेंगे तो 24 माइनस हो गए 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 28 पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 35 के इक्वल। अब नेक्स्ट वैल्यू है लास्ट 32 दे रखी है, 32 यहाँ माइनस करेंगे, 32 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और 24 को माइनस करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 40 के बराबर। अब यहाँ पर हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंप्लीट करना है। अभी तो ऑलरेडी ये यू की वैल्यू हमने अपनी तरफ से निकाली है, सॉरी ये आप लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इस फार्मूले के यूज़ करते हुए और एक्स की वैल्यू ये पुट करते हुए यू की वैल्यू को निकाली, और ये वैल्यू तो दे रखी थी, क्वेश्चन में ही दे रखी थी। अब हमें इस टेबल में अगली वैल्यू यानी डेल वाई यू की वैल्यू फाइंड करना है, फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू निकालना है। तो बस इसमें से ये माइनस कर देंगे 32 में से 24 को तो 8 आ जाएगा, ऐसे ही 35 में से ये अब 32 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी, और 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगी। तो डेल टू वाई यू इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, इस 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू अब निकालने का और लगेगा डेल क्यू वाई यू, और इस 2 में से माइनस 5 को माइनस करेंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 में से माइनस होगा, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 प्लस होकर 7 आ गया ये। अब हमसे बोला गया था कि वेसल फार्मूले का यूज़ करना, तो इस टेबल को का यूज़ करना है और वेसल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो वेसल फार्मूला सबसे पहले लिख रहे हैं, तो वेसल फार्मूला जो होता है वो आपको याद करना पड़ेगा किस तरीके से ये लिखा गया है, वाई नॉट प्लस वाई वन और अपान में 2। तो देखेंगे जो वैल्यू यहाँ पर सबसे छोटी होगी वही अगले टर्म में आएगी, यानी यहाँ पर वाई नॉट कम है, वाई वन ज़्यादा है, वन ज़्यादा होता है, ज़ीरो कम है, तो ज़ीरो वाला ही अब अगले में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो कोफिशेंट आएगा वो थोड़ा सा आपको मेहनत करके याद करना होगा, और ये है कि ये यू माइनस वन बाई टू जो फैक्टर यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहली बार आया है, ये सेकेंड टर्म में, फोर टर्म में और सिक्स टर्म में ही आएगा सिर्फ, और अगले ही जैसे ही हम फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में जाएंगे तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस एक से बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर एक भी बार नहीं था, जीरो बार कह सकते हैं, अब अगली बार में जो है एक बार हो गया। हमने बोला था इन दोनों में जो कम इंडेक्स में है यानी ज़ीरो है तो ज़ीरो वाला यहाँ पर आ गया, थोड़ा याद करने के लिए, वैसे तो आपको याद हो जाए तो अच्छी सी बात है, कुछ ट्रिक लगा के याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगला टर्म जो है वो इससे थोड़ा सा अलग होगा, हमने बोला था ये जो है वो सेकेंड टर्म में आएगा और फोर्थ में और सिक्स में ऐसे आता है, और थर्ड टर्म में आता है u और इंटू यू माइनस वन, ये कोफिशिएंट आते हैं, और अपान में फैक्टोरियल 1 आप यहाँ कर सकते हैं, अगले में फैक्टोरियल 2 आ गया, और दो दो टर्म आते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला टर्म देखा है, इसमें ये दो टर्म आए, यहाँ पर एक आया, फिर दो टर्म आएंगे, और ये सीक्वेंस बना रहेगा कि जो इन दोनों में छोटा है वो इंडेक्स में यानी ज़ीरो वो आया। अब इसमें ज़ीरो से हमने ये तो एक ही टर्म है तो इस ज़ीरो से ही शुरू करना है, यानी हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे डेल टू वाई नॉट, और उसके बाद एक वैल्यू कम ही करना, बढ़ना नहीं है, यानी वन से शुरू किया फिर ज़ीरो हुआ फिर ज़ीरो से फिर अब माइनस का वन की तरफ बढ़ेगा, यानी डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की वैल्यू आई होल अपान में 2। अब इस टर्म से अगला टर्म, और क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक फार्मूला नहीं लिखना है, ओनली डेल्टा क्यूब यहाँ पर उसकी एक ही वैल्यू नहीं ली है तो डेल्टा क्यूब तक ही जाना, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं जाना है। तो नेक्स्ट टर्म में अब हमारा जो टर्म मिल रहा है वो देख रहे हैं कि फोर्थ टर्म मिल रहा है, तो फोर्थ टर्म में ये वाला फैक्टर दोबारा से रिपीट होगा, लेकिन साथ ही साथ वो इन दोनों फैक्टर के बीच में लिख लीजिए, ये वाले फैक्टर भी आएंगे, ये वाले एक बार आ गए तो रिपीट होते रहेंगे, और साथ में ये वाला फैक्टर हर दूसरे चौथे छठे टर्म में आएगा। तो यू माइनस वन बाई टू इंटू यू माइनस वन अपान में फैक्टोरियल 2 था, अब की फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, देखा कि पहले 2 थे फिर 1 हुआ फिर ये
दो हैं, अगली बार में एक आएगा, यानी और एक एक जो है ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर जीरो डिफरेंस या एक डिफरेंस या दो डिफरेंस, जबकि थ्री डिफरेंस होगा। और हमने ये बोला था कि इन दोनों में छोटा इंडेक्स है वही आएगा, और यहाँ पर छोटा है -1 0 और -1 -1 है, तो यहाँ पर -1 आएगा। इसी तरीके से और टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेल क्यूब तक ही है। तो वही यहीं तक फार्मूला लिखा हमने, और यू की वैल्यू पहले से निकाल चुके थे वो पुट कर देंगे यहाँ पर। वाई नॉट की वैल्यू क्या होगा, इनकी वैल्यू और बता दें वाई नॉट क्या होगा। तो जो वाई यहाँ पर ज़ीरो जो है, हमने यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो यू की वैल्यू इधर है, तो यू ज़ीरो यानी वाई ज़ीरो की वैल्यू, यानी यू की जगह पर क्या ज़ीरो आ रहा, तो वो ये वैल्यू इसके सामने जो होगी वैल्यू वो वाई नॉट की वैल्यू होगी। इसी तरीके से वाई वन की वैल्यू, वाई वन की वैल्यू जो होगी तो ये हो जाएगी इसके सामने वाली, ये y1 की वैल्यू हो जाएगी। उस ये दोनों वैल्यू लेंगे, उसके बाद वाई नॉट की वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से बढ़ना पड़ेगी। जैसे वाई ज़ीरो है, यानी वाई ज़ीरो है तो उसमें फर्स्ट अगर डिफरेंस लेना है तो इस तरफ बढ़ना होगा ये, या ऐसा करें कि ये दो फिर एक फिर दो, इस तरीके से वैल्यू लेना होती है। ये वैल्यू यूज़ होंगी तो उनको हमने इस स्क्वायर में इनक्लोज करके रखा हुआ है। तो ये अगली वैल्यू जो होगी वो डेल वाई नॉट के बराबर होगी, यानी वाई नॉट इस तरीके से चलेगा। और अगर हम ऐसे बढ़ते हैं तो एक कम होता है इंडेक्स में, 1 है फिर 0 है, और ये वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी डेल स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पर -1 ये -1 का ही इस तरीके से चलेगा, लास्ट पे भी ये डेल क्यूब -1 की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू छूटी हुई है, ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है देखिए, इधर से चलें जब ये लाइन आ रही है इसी से मिलाते चलें लास्ट में, ये नॉट के करस्पॉन्डिंग है। तो ये हमारा सेकंड वाला है, यानी डेल टू वाई नॉट आ गया। तो इन्हीं सारी वैल्यूज़ का हमें इस फार्मूले में यूज़ करना है, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वाई की निकालना है, क्योंकि वाई की ये वैल्यू जो है यू के करस्पॉन्डिंग है, और यू जो है वो 25 के करस्पॉन्डिंग निकला है। ये यू तब मिला था जब हमने एक्स की वैल्यू रखी थी 25 लिखी थी, इसलिए जो वाई की वैल्यू आएगी वो इस एक्स की वैल्यू 25 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। तो इस फार्मूले में हमें इन सारी वैल्यूज़ को जो ऊपर हमने इनक्लोज करके रखी हुई और लिख भी रखा हुआ है कि ये कितनी कितनी वैल्यू है, देख लेंगे आप, जूम करके देख सकते हैं। और जूम करने के साथ साथ बाद में अगर कुछ रह गया हो तो पीछे बैक करके भी देख सकते हैं। ये सारी वैल्यू कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन समझ में आ जाएगा, इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करना है इस फार्मूले में। तो हम यहाँ पर वैल्यू अप पुट कर रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू, क्योंकि अब हम अगले पेज पर आ गए हैं, तो वाई इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पर सारी वैल्यू अपपुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू वाई नॉट की वैल्यू तो 32 रखना है, प्लस वाई वन की वैल्यू है 35 अपान में 2 है, फिर उसके बाद में प्लस का साइन है, ये फिर यू की वैल्यू जो कि 1/4 है, -1/2, फार्मूला देख लीजिए कि पीछे लिख चुके हैं 1/2, और डेल वाई नॉट की वैल्यू जो है, डेल वाई नॉट की वैल्यू यहाँ से देखने से पता चल रही है कि 3 के इक्वल है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर यू की वैल्यू रखना है जो कि 1/4 है, फिर अगला फैक्टर है यू -1, यानी यू की वैल्यू 1/4 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टर 2 की वैल्यू तो 2 के इक्वल ही होती है, और फिर ब्रैकेट में दो वैल्यू रख के 2 से डिवाइड करना है। तो वो दो वैल्यू होंगी वाई नॉट की वैल्यू, सेकेंड ऑर्डर का ऑपरेटर में देखें वाई नॉट की वैल्यू ये कोई 2 के इक्वल है, 2 है, और फिर उसके बाद में है माइनस के 5/2। इन वैल्यूज़ को जो अपने अभी दिखा दिया था आपको जूम करके, तो उसका वैल्यू का यूज़ करना है। अब लास्ट फैक्टर लास्ट टर्म रह गया है, इसमें यू की वैल्यू 1/4 है, और 1/4 -1/2 एंड 1/4 -1 होल अपान में फैक्टोरियल 3, जिसकी वैल्यू 3 × 2 × 1 होती है। और लास्ट में ये वैल्यू तो देख रहे हैं कि 7 के बराबर है, उसको लिख देंगे। फिर अपना हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट लिखते जाएंगे और एक ही बार में आंसर निकाला जा सकता है। हमारे पास अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर नहीं है, तो आप लोग
जो हमने वैल्यू निकाल के रखी है तो उसका यूज़ करते हैं कि इनको ऐड करके इस टर्म बाई टर्म को सॉल्व करके वैल्यू जो निकाली है वो 33.5 है। आप एक ही बार में इसको लिख कर कैलकुलेटर में और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट तो इस टर्म की वैल्यू ये आई है और नेक्स्ट टर्म की वैल्यू है पॉइंट। हम टर्म बाई टर्म सारी सभी टर्म की वैल्यू जो है यहाँ पर रखते जाते हैं। 0.054 6875 ये 4 लिखा हुआ हमारा 6। और उसके बाद है इन सारी वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आता है 32.94533। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।